हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं बिज़नेस के बारे में। बिज़नेस का मतलब क्या होता है और इसके क्या एसेंशियल्स है, ये पॉइंट आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, बिज़नेस मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन का जो पूरा टॉपिक आपका है, पूरा सब्जेक्ट आपका है, जहाँ पर आप बिज़नेस के बारे में एंड एज़ वेल एज़ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, वहाँ पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन के आता है कि भैया बिज़नेस है क्या। और अगर आप जो है मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, सो देयर ऑल्सो आपको बिजनेस के बारे में पढ़ने को मिलेगा कि भाई बिजनेस होता क्या है। सो देखिए, हम भी कहते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, यार हम बिजनेस शुरू करेंगे, हम काम बिजनेस करेंगे, हम बिजनेस में जो है अपना अचीवमेंट करेंगे। पर अब बिजनेस कहाँ किसको जाता है, बिजनेस का एक्चुअली में आप डिफाइन कैसे करोगे, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। एंड ऑल्सो कि एक बिजनेस में कौन कौन से पॉइंट्स होना ज़रूरी है, कौन कौन से एसेंशियल्स होने ज़रूरी हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो सबसे पहले बिज़नेस का मतलब क्या है, बिज़नेस का मतलब होता है कोई भी एक्टिविटी जो कि आप प्रोडक्शन की एक्टिविटी, प्रोड्यूस करने की एक्टिविटी हो, बाय करने की एक्टिविटी हो, सेल करने की एक्टिविटी हो। अब यहाँ पे भले ही आपके बाय और सेल जो है गुड्स को लेकर के हो या सर्विसेज को लेकर के हो, और यहाँ पे आपका जो एम है वो है प्रॉफिट मेकिंग। यानी कि बिजनेस इज़ नथिंग, बिजनेस मीन्स एक्टिविटी जो कि आप क्या कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो, किस चीज़ को, कुछ भी, या तो गुड्स होगा या सर्विस होगी, ठीक है। और वहाँ पे आपका जो एम होने वाला है दैट इज़ प्रॉफिट मेक करना। तो यानी कि प्रॉफिट बनाने की उद्देश्य से जो भी आप सारे यहाँ पे एक्टिविटीज़ करते हो, चाहे वो प्रोडक्शन की हो, खरीदने की हो, बेचने की हो, सारे सर्विसेज या गुड्स या दोनों का कॉम्बिनेशन, उसको आप बिजनेस कहते हैं, ठीक है। तो हम भले ही कई बार बोलते हैं हम बिजनेस करेंगे बिजनेस करेंगे, बट बिजनेस का एक्चुअली मीनिंग क्या है, दैट आई होप कि आज आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे आपके कई सारे ऑपरेशंस एंड प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ऑपरेशंस यानी कार्य, प्रोसेस यानी कि एक जो एक के बाद एक निरंतर कार्य चलता है जो कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। यहाँ पे आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूड होती है, डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड होता है, मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट सब कुछ इंक्लूड होता है। देखो बेटा, लेट्स सपोज अंबानी, अडानी या कोई भी कंपनी उठा लो, कोई भी छोटी मोटी अपनी ही कोई कंपनी उठा लो पर्सनली, या फिर बड़े लेवल की कंपनी उठा लो। सो वो सारी कंपनीज में आपको जो है मैन्युफैक्चरिंग भी दिखेगी। यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, अमूल का जो आपका प्रोडक्शन होता है, अमूल दूध हो गया, दही हो गई, लस्सी हो गई, इसका सारा प्रोडक्शन किया जाता है। प्रोडक्शन तो होता ही होता है, मैन्युफैक्चरिंग हो गया या प्रोडक्शन हो गया, पूरा सब होता है, प्लस डिस्ट्रीब्यूशन भी उसका अच्छे तरीके से होता है। डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि अपने गुड्स को अपने कस्टमर्स तक या फिर जो भी प्रोस्पेक्टिव बायर्स हैं या जो उस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, उनके पास, उनके जो है स्थान तक पहुंचाना, उनके गंतव्य तक पहुंचाना, जो भी डेस्टिनेशन आपकी बनती है वहां तक पहुंचाना। ऑल्सो मार्केटिंग करना, सेल्स करना, फाइनेंस जुगाड़ कराना, पैसे लाना, कहाँ यूज करने हैं वो देखना एंड मैनेज करना। सो ये सारे ऑपरेशंस एंड प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं आपके मार्केटिंग में, और यहाँ पे सारी आपकी जो है पूरी जो है यहाँ पे ऑपरेशंस आपके इंक्लूड हो जाते हैं। सो नेक्स्ट इज बिजनेस जो है यहाँ पे रेंज करता है फ्रॉम स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस ऑपरेटेड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल टू लार्ज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन विद ऑपरेशन स्पैनिंग मल्टीपल कंट्रीज। यानी यहाँ पे जब हम बात करते हैं यहाँ पे आपके बिजनेस की, तो वहाँ पे सब कुछ आ जाता है यहाँ पे, चाहे वो आपका सिंगल वाली बिजनेस हो या फिर आपकी जो है बड़े लेवल की बिजनेस हो। यानी कि छोटे लेवल, यानी जैसे कि आपका हमारा जो सिंपल सा लेवल का बिजनेस होता है जिसमें बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस इन्वॉल्व नहीं होते, और वहीं पे दूसरे लेवल पे जहाँ पे मल्टीनेशनल लेवल के बिजनेसेस इंक्लूड हो जाते हैं, जहाँ मल्टीनेशनली आप जो है क्या करते हो, मल्टीनेशनली एक नेशन से दूसरे नेशन तक आपका काम चल रहा होता है। सो वो दोनों चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड होती हैं। सो बिजनेस मीन्स ये नहीं है कि सिर्फ छोटा बिजनेस इंक्लूड होगा या बड़े लेवल पे जो काम हो वही बिजनेस है, सिर्फ अडानी अंबानी का बिजनेस नहीं है, हमारे पान की दुकान है वो भी बिजनेस है, हम चाय पकौड़े बना रहे हैं वो भी बिजनेस है। सो दैट इज़ ऑल्सो बिजनेस, ओके, बिकॉज वी आर ऑल्सो doing a lot of things, a lot of operations there, over there, जो कि आपके सारे business activities से related होते हैं। I hope business का मतलब आपको समझ आ गया होगा। Now let's move forward to the next topic, that is essential feature of business, यानी business के essential feature, कि ये सारे point आपको जो है business में ज़रूर दिखेंगे। ये कुछ feature है, essential feature यानी कि important feature, requirements जो कि business में होती हैं।
राइट, चलिए सबसे पहले डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस, यहाँ पे आपका जो है बिजनेस या तो डील कर रहा होगा गुड्स से या सर्विस से या फिर दोनों से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज़ से कर सकते हैं, नहीं, दोनों से भी आपकी डीलिंग हो सकती है। सो बिजनेस डील करता है गुड्स से एंड सर्विसेज से, ठीक है। यहाँ पे आपका कोई भी बिजनेस आप उठा लो, जैसे कि आप बिजनेस उठा लो सॉफ्ट जो है आपका गुड डे बिस्किट है, वो क्या है, प्रोडक्ट है। नेस्ले उठा लो, नेस्ले क्या करता है, आपके नेस्ले के कई सारे ब्रांड्स हैं, कई सारे जो है मैगी हो गया या फिर पास्ताज भी आते हैं, उसके और भी प्रोडक्ट्स आते हैं, वो नेस्ले के ब्रांड्स हैं, उसके जो है गुड्स हैं। वहीं पे सर्विस की अगर बात की जाए तो जैसे कि आपके डिफरेंट डिफरेंट जो है फ्रेंचाइजीज चलते हैं, जहाँ पे आप हेयर कट करवाते हो, लैक्मे हो गया या कुछ और हो गया, जहाँ पे आपको सलून सर्विसेज मिलती हैं, प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं सर्विसेज भी मिलती है, या फिर और कोई प्रोडक्ट और कोई आप फ्रेंचाइजी उठा लो जहाँ पे आपको सर्विसेज प्रोवाइड होती है। तो यानी गुड्स एंड सर्विसेज आपको दोनों में डील करता है आपका बिजनेस। तो अगर आप कह रहे हो बिजनेस है, तो यानी कि या तो वो गुड्स में डील कर रहा होगा या सर्विसेज में डील कर रहा होगा। दिस इज़ एन एसेंशियल फीचर। अगर वो नहीं कर रहा तो थोड़ा सा संभल जाओ, शायद हो सकता है वो बिजनेस नहीं, कोई और एक्टिविटी हो। द गुड्स मे बी कंज्यूमर गुड्स सच एज स्वीट ब्रेड क्लॉथ शूज एट्सेट्रा। यहाँ पे जो गुड्स की बात की जा रही है कि भैया बिजनेस है तो या तो गुड्स में जो है डील कर रहा है या सर्विसेज में डील कर रहा है। अब जब हम बात करते हैं गुड्स की ना बेटा, तो गुड्स में भी हमारे पास कई प्रकार के गुड्स आ जाते हैं। गुड्स मतलब प्रोड्यूसर गुड्स भी होता है, यहाँ पे आपका कंज्यूमर गुड्स भी होता है। जैसे कि कंज्यूमर गुड्स यानी कि जो एंड ऑफ द चेन, डिस्ट्रीब्यूशन चेन के एंड में जो कंज्यूमर है वो उसको बाय कर रहा है खाने पीने के लिए, अपने फाइनल कंजम्पशन के लिए। जैसे अगर मैं जो हूँ कपड़ा खरीद रही हूँ या फिर स्वीट्स खरीद रही हूँ, ठीक है, या सैनिटरी पैड्स खरीद रही हूँ, ये सब क्या है, ये फाइनल गुड्स हैं जो कि हम कंज्यूम करने वाले हैं। तो ये क्या है, ये गुड्स आपके कंज्यूमर गुड्स हैं जो कि एंड कंज्यूमर यूज़ कर रहा है। तो गुड्स जो कि कंज्यूमर्स खरीद रहा है, स्वीट ब्रेड क्लोथ शूज एट्सेट्रा, वो सारे आपके यहाँ पे गुड्स में इंक्लूड होते हैं। ऑल्सो यहाँ पे दे मे बी प्रोड्यूसर्स गुड्स सच एज मशीन इक्विपमेंट एट्सेट्रा। जब हम गुड्स की बात करते हैं तो वहाँ पे गुड्स में आपके प्रोड्यूसर्स के गुड्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। नाउ व्हाट इज प्रोड्यूसर्स गुड्स, देखो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि फाइनल कंज्यूमर यूज़ नहीं करने वाला। अब बड़ी बड़ी मशीनें हैं, मशीनें यानी कि कोई ऐसी मशीनें हैं जो ढांचा बनाती है, ठीक है, जैसे कि ढांचा बनाती है इन द सेंस आपको जो है कोई प्रोडक्ट है या फिर कुछ प्रोडक्शन करना है, उसको कैसे एक्चुअली में यूज़ करना है उसकी मशीन बनाती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगरबत्ती बनाने की मशीन ले लो, अगरबत्ती हम सब एज अ कंज्यूमर्स यूज़ करते हैं, लेकिन उसकी जो मशीन है हम घरों में ला के थोड़ी ना रख लेंगे कि भैया आज शिव जी को जो है घर की बनी हुई अगरबत्ती चढ़ाएंगे। ऑब्वियसली नॉट। वो जो प्रोडक्ट है, वो जो जो है मशीन है, दैट इज़ प्रोड्यूसर गुड। वो कंज्यूमर नहीं खरीदेगा, वो प्रोड्यूसर खरीदेगा जो प्रोडक्शन करना चाहता है। तो वो प्रोड्यूसर गुड्स भी यहाँ पे इन्वॉल्व किए जाते हैं। अगर आप प्रोड्यूसर्स के गुड्स बेच रहे हो, ऐसे गुड्स बेच रहे हो जो कि सिर्फ प्रोड्यूसर्स बाय करते हैं, यानी कि जो मैन्युफैक्चरर बाय करते हैं उसको आगे फर्दर खरीद बेच करने के लिए हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हो, डजेंट मैटर, बट वो प्रोड्यूसर्स या मिडिल लेवल का कोई पर्सन बाय कर रहा है, इट मींस कि वो भी आपके गुड्स माने जाएंगे। तो गुड्स मतलब ना ही सिर्फ कंज्यूमर गुड्स बल्कि प्रोड्यूसर्स गुड्स भी। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट ही बताना चाह रहा है, जो कि प्रोड्यूस करने के लिए फर्दर गुड्स फॉर कंजम्पशन यूज़ किया जाता है। बिजनेस ऑल्सो डील्स विद सर्विस सच एज ट्रांसपोर्ट्स, वेयर हाउस, बैंकिंग, इंश्योरेंस एट्सेट्रा, विच आर इंटेंजिबल एंड इनविजिबल गुड्स। अब बिजनेस का बिजनेस में जब हमने कह दिया कि गुड्स में डील कर रहा है, चलो ठीक है, गुड्स समझ में आ गया, गुड्स में आपके जो है यहाँ पे कंज्यूमर गुड्स भी आ गए और प्रोड्यूसर गुड्स भी आ गए, ठीक है, गुड्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नाउ सर्विस का कॉन्सेप्ट समझते हैं। सर्विस मींस वो सारी एक्टिविटीज़ जो कि आपका बिजनेस डील कर रहा है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन सर्विस होती है, मैंने अपना माल बना लिया, मैंने माल जो है कंज्यूमर को फ़ोन करके नहीं बोलूँगी आओ उठा के लेके चले जाओ, नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन होता है पूरा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट होता है, वो एक चेन बनती है। तो वहाँ पे आप क्या करोगे, अपने गुड्स ट्रांसपोर्ट करोगे, दूसरे देश में देना है तो वहाँ ट्रांसपोर्ट करोगे, बाय सी भेजोगे, बाय एयर भेजोगे, अपने देश में देना है बाय एयर, बाय रोड भेजोगे, या जो भी मेथड से भेजोगे। साथ ही साथ वेयर हाउसिंग कराना। अब देखो आपके जो गुड्स हैं ना, वो आप अपने जगह बना करके अपने ही घर में नहीं रखते हो, कई जगह आप वेयर हाउस खोलते हो, यहाँ पे स्टोर करके रखते हो, और अगर कहीं और भेजना है किसी और कंट्री में, किसी और स्टेट में, तो वेयर हाउस में रखवाते हो। बैंकिंग सर्विसेज हो गई, बैंकिंग में आप जाओगे, बैंक में आप जाओगे, आप ये नहीं कहते कि भैया भैया मुझे FD खरीदनी है, आप FD बनवाते हो, वो सर्विस लेते हो आप वहाँ पे, आप कुछ और चीज़ नहीं करते हो, ठीक है, यानी कि वहाँ पे सिर्फ आप सर्विसेज लेते हो, प्योर सर्विसेज होती है, इंश्योरेंस सर्विस होती है। तो जो ये सारी इंटेंजिबल और इनविजिबल सर्विसेज आपकी होती है, ये गुड्स तो यहां पे गलत लिखा है, सर्विसेज आपकी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो एसेंशियल
एलिमेंट है आपके बिजनेस का, दैट इज़ प्रोडक्शन एंड और एक्सचेंज। कि भाई चलो ठीक है, पहला हमारा क्या था, पहला हमारा था या तो गुड्स इन्वॉल्व होगा या सर्विसेज इन्वॉल्व होगी। आप या तो गुड्स में डील कर रहे हो या आप सर्विस में डील कर रहे हो, ठीक है बेटा हो गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि भैया या तो आप प्रोडक्शन कर रहे हो यानी कि या तो आप उसको बना रहे हो या फिर आप एक्सचेंज कर रहे हो, एक्सचेंज यानी कि सिर्फ खरीद बेच कर रहे हो। सो ठीक है, गुड्स हैं सर्विसेज हैं या दोनों हैं, डजेंट मैटर। नाउ अब वो गुड्स या सर्विस जो भी है उसका या तो आप प्रोडक्शन कर रहे हो या फिर आप उसका क्या कर रहे हो या फिर आप उसका जो है अपना एक्सचेंज कर रहे हो। तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाता है भैया। नेक्स्ट पॉइंट है कि भैया प्रोडक्शन होगा या फिर आपकी जो है यहाँ पे एक्सचेंज होगा। नाउ प्रोडक्शन मीन्स आप उसको जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी के तौर पे उसको मटेरियल्स को लेकर के, छोटे मोटे मटेरियल्स को लेकर के उसको फाइनल गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हो, वो आपका प्रोडक्शन कहलाता है। You can call an economic activity a business only when there is production or transfer of exchange or sale of goods or service for value। बेटा जब हम business की बात करते हैं ना तो कई बच्चे सबसे पहले ये कहते हैं कि business क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ये कई बार ये पॉइंट ही बच्चे को याद आता है कि भैया कुछ नहीं है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कुछ नहीं है, बिजनेस इज जस्ट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट इकोनॉमिक एक्टिविटी आप उसको मेनली इसी रीज़न की वजह से कहते हो क्योंकि वहाँ पे मनी ट्रांसफ़र ऑफ एक्सचेंज इन्वॉल्व हो जाता है कि भैया कुछ एक्सचेंज हो रहा है या प्रोडक्शन हो रहा है। क्योंकि प्रोडक्शन अगर हो रहा है ना बेटा तो इट मीन्स देयर आर मेनी पीपल इन्वॉल्व इन इट, लेबर इज इन्वॉल्व इन इट, ठीक है, रॉ मटेरियल इज गेटिंग परचेज बाय द कंपनी और यू आर सेलिंग इट टू द अनदर पार्टी और यू आर जस्ट एक्सचेंजिंग इट टू द अनदर पार्टी और फ्रॉम द अनदर पार्टी यू आर गेटिंग द रॉ मटेरियल एंड लेटर ऑन यू आर सेलिंग द फिनिश गुड टू द नेक्स्ट पार्टी और टू द कंज्यूमर्स, राइट। सो बेसिकली वट इज हैपनिंग here there is only a change exchange of money involved in it, kyunki transfer ho raha hai, exchange ho raha hai, sale ho rahi hai goods ki ya services of value ki, to ye is karan ki wajah se aap isko economic activity kehte ho। goods jo hai yahan pe produce hote hain for self consumption or presentation as gift, such activity shall not be treated as business। ab dekho aap self consumption kar rahe ho, समझो मेरी बात, मुझे जो है ना स्टिचिंग करनी आती है, मुझे जो है ना टेलरिंग करनी आती है, मैंने अपना सूट बनाया, मैंने उसको डाला और मैं ही करके चमक चमक के जा रही हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। बट वहीं पे जो है मैंने क्या किया, मैंने 5 सूट और बनाया, मैं उसको बेच रही हूँ। सो यहाँ पे क्या डिफरेंस है, फर्स्ट वन में आई एम डूइंग द प्रोडक्शन फॉर माई सेल्फ कंजम्पशन, दैट इज़ नॉट बिजनेस, दैट इज़ नॉट कंसिडर एज बिजनेस। बट इन द सेकेंड सिचुएशन, ठीक है, वट आई एम डूइंग इज आई एम प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सेलिंग इट टू द अनदर पार्टी and getting something paid for it, okay। so now here in the second situation it is a business activity, जहाँ पे आप जो है consumption, दूसरे की consumption के लिए आप product बना रहे हो, ठीक है, अपनी consumption के लिए बना रहे हो तो वो business नहीं है। अच्छा दूसरे की consumption में ना कई बार क्या होता है, दोस्त भी आ गया कि भाई मेरा भी सूट सिल दे, तू तो अच्छा सिलती है, देना उसने ढेला भरनी है, तो आप क्या कर रहे हो, चलो बना करके दे दिया, समाज सेवा कर दी कि चलो थोड़ा पुण्य मिल जाएगा, अच्छा व्यक्ति है ये भी और थोड़ा मुझे भी पुण्य मिल जाएगा। सो दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज बिजनेस, वाई, बिकॉज वो आपने कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ कंजम्पशन के लिए चीज़ें बनाई हैं, वो आप एक बिजनेस एक्टिविटी के तौर पे नहीं कर रहे हो, या फिर आपने एज ए प्रेजेंटेशन की है, एज अ गिफ्ट की, भैया मुझे बहुत अच्छा फ्रॉक बनाना आता है, अपने भतीजी भांजी के लिए बना दिया गिफ्ट के तौर पे, दैट इज़ नॉट बिजनेस। ये सारी एक्टिविटीज़ जो है बिजनेस नहीं ट्रीट की जाएंगी। बट वहीं पर बिजनेस एक्टिविटी में जो है टू पार्टीज़ होंगी, एक बायर और एक सेलर, कि आपने बनाया किसी ने ख़रीदा तो यहाँ पर बायर एंड सेलर पर्सन है, सो दैट इज़ कंसिडर एज बिजनेस, राइट। सच एक्टिविटी शुड कंसर्न विद द ट्रांसफर ऑफ गुड्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन अ बायर एंड सेलर, यानी कि बायर और सेलर के बीच में गुड्स जो है उनका एक्सचेंज हो रहा है और यहाँ पे जो है ट्रांसफर हो रहा है गुड्स का। द गुड्स मे बी बार्टर्ड और एक्सचेंज फॉर मनी। अब यहाँ पे गुड्स एक्सचेंज हो रहे हैं या तो वो किसी मनी के लिए हो रहे हैं या बार्टर सिस्टम के लिए हो रहे हैं, दोनों इस दोनों को जो है आप कंसीडर कर लोगे एज अ बोले तो क्या बोलते हैं एज अ बिजनेस, ठीक है, ठीक, ओके। फॉर एन एग्जाम्पल, लेट सपोज मैं और मेरी एक और पार्टी है, मेरी एक और बिजनेस है, मेरा नहीं या किसी और का एक्स वाई जेड पर्सन का बिजनेस है, हम दोनों जो है प्रोडक्शन करते हैं किसी चीज़ की, लेट सपोज लेदर गारमेंट्स की, तो मैंने जो है कुछ एक्स्ट्रा बटन्स ले लिए गलती से और उसके पास जिप एक्स्ट्रा आ गई, तो हमने क्या किया, मैंने कहा कि यार चल मैं तुझे बटन दे देती हूँ एक 10,000 के और तू मुझे जो है जिप दे दे 10,000 की। सो यहाँ पे क्या हो गया, वैल्यू जो मनी था वो एक्सचेंज हो गया, यहाँ पे मनी ट्रांसफ़र नहीं हुआ बट यहाँ पे बार्टर सिस्टम हुआ है, जो पुराने प्राचीन कालों में चलता था ना कि एक सामान देते थे दूसरा ले लेते थे, मनी जैसा कोई यूज़ नहीं होता था, काम ही नहीं होता था ना, उसका कुछ कॉन्सेप्ट होता था। सो ऐसे सिचुएशन में अगर कुछ हुआ है, आपने कुछ प्रोडक्ट्स को लेन देन किया है, बार्टर सिस्टम किया है और
एक्सचेंज फॉर मनी हुआ है, सो इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज बिजनेस. उसमें आप ऐसा नहीं कहोगे कि बिजनेस नहीं हुआ, दैट इज़ ऑल्सो अ बिजनेस, राइट. नेक्स्ट इज कंटिन्यूटी एंड रेगुलरिटी इन डीलिंग. अब क्या हुआ, मैंने क्या किया, मैंने ना अपनी छत पे थोड़े से चार पौधे लगाए, उसमें जो है एक में मिर्ची लगा दी, एक में खीरा लगा दिया, एक में कुछ लगा दिया. अब खुद भगवान की दया से उसमें कुछ जो है फल फ्रूट्स आ भी गए. अब मैंने क्या किया, मैंने उसको ना मार्केट में तो नहीं, प्रॉपरली आस पड़ोस में किसी ने कहा कि यार ये बहुत अच्छा है, मैंने कहा चल तुम ले लो, मेरे को 5 रुपये दे देना. मैंने मेहनत किया उसके लिए. सो हेयर इन दिस सिचुएशन इज़ इट गोइंग टू बी मीन्स कंसिडर एज अ बिजनेस, वाई, बिकॉज आई एम नॉट डूइंग दिस एक्टिविटी ऑन कंटिन्यूटी बेसिस और ऑन रेगुलर बेसिस. ओके, कुछ एक्टिविटी ऐसी होती है विच यू आर नॉट डूइंग ऑन रेगुलर बेसिस, वो आप कभी 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 कर देते हो, राइट, कि भाई चल ठीक है बना दूंगा मैं, वैसे किसी की बनाती नहीं हूँ किसी की ड्रेस वगैरह, पर तेरी स्टिच कर दूंगी. तो यहाँ पे इस सिचुएशन में कंटिन्यूटी नहीं है, ठीक है. रद्दी पड़ी थी मेरे घर पे, मैंने बेच दी. अब वो बिजनेस में मैं डेली रद्दियाँ थोड़ी ना बेच रही हूँ, अगर मैं डेली रद्दियाँ बेचूंगी तो मेरा कबाड़ी का काम है, मैं बिजनेस कर रही हूँ. बट अगर वो मैं डेली नहीं कर रही हूँ, कभी कभार कर रही हूँ, घर का जमा हुआ कचरा बाहर फेंक रहे हो आप लोग, टिकटलिंग कर रहे हो, सो दैट इज़ नॉट कंसिडर एज बिजनेस. वाई, बिकॉज यहाँ पे जो एक्टिविटी, वट एवर एक्टिविटी यू आर डूइंग, दैट इज़ नॉट इन कंटिन्यूअस बेसिस. ओके, सो एक सिंगल ट्रांजेक्शन जो आप करते हो कई बार, उसको बिजनेस नहीं कंसीडर किया जाएगा. एक एक्टिविटी ट्रेड की जाती है बिजनेस ओनली अगर वो कंटिन्यू बेसिस पे होती है, एटलीस्ट जो है वो डील हो रही है बार बार रेगुलरिटी पे. फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति जो है अपना रेजिडेंशियल हाउस बेचता है, उसको बिजनेस नहीं कहा जाएगा. हाँ, अगर वो बार बार घर खरीद रहा है, बेच रहा है, खरीद रहा है, बेच रहा है, वो डीलिंग कर रहा है, तो वो उसके नेचर, उसका बिजनेस के नेचर पे काम आता है. सेम वेजिटेबल वेंडर जो है, अगर वेजिटेबल खरीद रहा है मार्केट से मॉर्निंग में और सेल कर रहा है कस्टमर्स को इवनिंग में, तो वो डेली अगर कर रहा है तो वो बिजनेस है, कभी कभार कर रहा है तो वो बिजनेस नहीं है, राइट. नेक्स्ट इज प्रॉफिट मोटिव. मैंने काम किया, चलो ठीक है यार, बट यहाँ पे मेरा काम करने के पीछे का मोटिव इज़ नॉट टू जनरेट प्रॉफिट. मेरा काम करने का पीछे का मतलब है कि भाई चलो समाज सेवा हो जाएगी, किसी की जो है किसी के कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ है, तो मैं जो हूँ वहाँ पे हेल्प कर रही हूँ, वहाँ पे अपने मतलब अपने काम से हेल्प कर रही हूँ. स्टिच करके किसी के कपड़े दे दिए, बेचारे के पास नहीं थे पैसे, तो उसकी हेल्प कर दी. तो यहाँ पर द मोटिव इज़ नॉट फॉर प्रॉफिट जनरेशन. प्रॉफिट मोटिव नहीं होता तो वो आपका बिजनेस नहीं कहला जाएगा. बट जहाँ पे मेरा प्रॉफिट का मोटिव है कि इससे तो मैं इतने पैसे लूँगी, इससे इतने लूँगी, मुझे इतना कॉस्ट पड़ रहा है, इसमें 50 रुपये एक्स्ट्रा लूँगी ताकि मेरा भी प्रॉफिट हो जाए. सो वे आर द मोटिव ऑफ डूइंग दैट पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन इज टू अर्न प्रॉफिट, देन इट इज़ कॉल्ड अ बिजनेस. ओके, व्हेन यू आर डूइंग अ पर्टिकुलर एक्टिविटी टू अर्न प्रॉफिट और टू गेट सम प्रॉफिट आउट ऑफ इट एंड यू आर डूइंग इट ऑन अ रेगुलर बेसिस, देन इट इज़ अ बिजनेस. सो अर्निंग प्रॉफिट इज अ प्राइमरी मोटिव ऑफ बिजनेस. दिस इज नॉट टू अंडरमाइन द importance of the element of service in business activity. In fact, जब business जो होता है वो flourish होता है only जब वहाँ पर जो है आपके कुछ customers satisfy होते हैं. Profit essential है ताकि आप अपने business को survive कर सके, grow कर सके, expand कर सके और recognition के दिला सके. So अगर आप कह रहे हो मेरा business है और कह रहे हो मैं profit ही earn नहीं कर रहा, तो वो business ही नहीं है और आपका business फिर जो है ज़्यादा दिन तक market में आप टिक ही नहीं पाओगे, वो जो है ऐसे करके नीचे चला जाएगा आपका business. नेक्स्ट इज़ एलिमेंट ऑफ रिस्क. एलिमेंट ऑफ रिस्क यानी कि जब भी बिजनेस आपका होता है उसमें कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी होती है कि आपका लॉस होगा, दैट इज़ अ जनरल नॉर्मल पॉसिबिलिटी. वाई, बिकॉज आपकी कुछ ऐसी मार्केट कंडीशंस आ सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पे आपको लॉस हो सकता है. एक पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं. तो बिजनेस में एक एलिमेंट ऑफ रिस्क हमेशा रहता है. पान वाले की दुकान पे देख लो कि भैया आजकल के बच्चे तो पानी नहीं खाते, पुराने लोग तो जम जम के पान खाते थे, खई के पान बनारस वाला गाते थे, आजकल के बच्चे खाते नहीं है, वो सिगरेट लेते हैं, तो उसके लिए कंपटीशन है, उसको बुरा लग रहा है, तो उसके लिए भी रिस्क है. अगर आपको लगता है ना कि छोटे छोटे पान वालों के लिए क्या रिस्क है, उसके लिए भी रिस्क है. और जो है बड़े अब बाकी के आप चीज़ें देखो तो काफ़ी चीज़ें लोग जो हैं कहीं ना कहीं आपको हर बिजनेस में रिस्क दिखेगा. सो पॉसिबिलिटी है कि उसको लॉस हो सकता है, जो कि रिस्क कहते हैं. एलिमेंट ऑफ रिस्क जो है वो एक्जिस्ट करता है क्योंकि यहाँ पे वैरायटी ऑफ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि आपके बिजनेस के बाहर के होते हैं, आउटसाइड होते हैं आपके कंट्रोल के. सो ये दो तरीके के रिस्क होते हैं. रिस्क जैसे कि आपको लॉस हो गया बाय फायर, फ्लड, थ्रेफ्ट, कुछ भी हो गया, आग लगी, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, चोरी हो गई, इस टाइप के रिस्क, या फिर रिस्क जो कि आप जो है कैन नॉट बी कैलकुलेटेड एंड विच कैन नॉट बी इंश्योर्ड अगेंस्ट. जैसे कि कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, AI आ गया, लोगों की जॉबें चली गई, यहाँ पे AI आ गया, आपका बिजनेस पहले होता था आप कंटेंट राइटर प्रोवाइड करते थे, ठप हो गया, खुद ही ChatGPT बना करके दे देगा,
डिमांड गिर रही है या फैशन चेंज हो रहा है, तो इस तरीके के भी रिस्क आपके होते हैं जो कि दोनों एंटरप्राइजेस को कम्प्लीटली बोर्न करने पड़ते हैं। ओके, सो ये सारा मैंने कॉपी किया हुआ था आपकी बोले तो इग्नू की बुक से, ठीक है। इग्नू की एक बुक थी जो जिस अगर आप ये सर्च करोगे तो आपको बुक खुल के आ जाएगी, यूनिट वन का PDF खुल के आ जाएगा। तो ये मैंने एज इट इज़ वहाँ से कॉपी किया हुआ है, तो आप देख सकते हो उसमें अगर आपको और भी कुछ पढ़ना है या फिर इससे रिलेटेड आगे के डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, सो फ्रॉम देयर यू कैन गेट इट। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस होल टॉपिक। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ बिचे, एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, एंड स्पेशली टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ। ओके, बाय।